हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 28 मार्च 2018 की प्रीलिम्स अपडेट सीरीज में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू और पीएबी की इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो डिस्कस करेंगे। चलिए हमारी डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं। तो आज की सबसे पहले जो आर्टिकल है वो है ई ट्राइब इंडिया के बारे में, तो देख लेते हैं। तो अभी ट्राइबल अफेयर जो मिनिस्ट्री है उसने एक ई ट्राइबल इंडिया का एप्लीकेशन और एक प्लेटफॉर्म वो लॉन्च किया है। इसके साथ एक ट्राइफेड की एक वेबसाइट है वो भी उसने लॉन्च की है। तो ये दोनों वेबसाइट हैं, एक तो ट्राइफेड की वेबसाइट होगी और एक एप्लीकेशन होगा। इसके साथ ई ट्राइब्स है, इसके नाम से भी एक वेबसाइट और एप्लीकेशन है वो लॉन्च किया है। क्यों लॉन्च किया है वो हम यहाँ पे देखते हैं, वो हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो बात ऐसी है कि ट्राइबल अफेयर जो मिनिस्ट्री है ना वो चाहती है कि जो ट्राइबल एरिया उसका डेवलपमेंट हो, कि वो मेनली इसीलिए बनेगी है। अब आपको पता है कि हमारे देश में ट्राइबल एरिया काफ़ी ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, तो उसके लिए गवर्नमेंट काफ़ी सारे प्रावधान कर रही है, काफ़ी सारी स्कीम्स भी लेके आती है कि ताकि भाई उनकी सोशल जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बाकी लोगों के इक्वल की जाए और उनको भी हमारी सोसाइटी के अंदर बिल्कुल तवज्जो वगैरह दी जा सके उन सब के लिए। तो इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए ट्राइफेड है जो एक बॉडी बनाएगी, अपेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो बनाया गया था मेनली इन जो हमारी बॉडी है मिनिस्ट्री है जिसका नाम है ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री, उसके द्वारा एक ट्राइफेड बॉडी का निर्माण किया गया था। ये एक अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत इसको रजिस्ट्रेशन है वो किया गया। तो ये यूपीएससी पूछ सकती है ट्राइफेड के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ट्राइफेड की फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म वो है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये आपको ध्यान रखनी है बेसिक इसके बारे में। इसका कुछ ऐसा ऐसा लोगों के लिए इसको लॉन्च है वो की है, ये वेबसाइट है उसका नाम है tribesindia.com और एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी, यूपीएससी इसके बारे में पूछ सकती है ई ट्राइब इंडिया के लिए। ये कुछ बेसिक सा कॉन्सेप्ट वगैरह हो जाता है जो हमें ध्यान में रखना है। अब देखो बात इंपॉर्टेंट ये आती है कि भाई ट्राइफेड आखिर काम क्या करती है। ट्राइफेड का काम ये होता है कि जो भी ट्राइबल एरिया के प्रोडक्ट वगैरह होते हैं ना उनको एक्चुअली उचित दाम दिलाना, क्योंकि देखो ट्राइबल एरिया को क्या है कि मार्केट वगैरह की एक्सेस नहीं होती है, तो उनके लिए है मार्केटिंग का काम करती है ट्राइफेड जो बॉडी है ये। इसके साथ ही ट्राइबल एरिया को जो भी बेसिक चीज़ वगैरह जो भी उनको उनके डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ काम की चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें उनको मुहैया करवाती है, ताकि उनकी जो इकोनॉमिक हालत है या वो अपनी आजीविका ना वो ढंग से जी सकें। क्योंकि देखो ट्राइबल एरिया को पता तो होता नहीं है कि भाई उनके प्रोडक्ट वो मार्केट में किस रेंज पर बिकेंगे, तो है उनको हेल्प करती है, उनके लिए प्रदर्शनी वगैरह आयोजित करवाती है ताकि लोग जो बाहर के लोग हैं वो उनके प्रोडक्ट्स के बारे में जानें और वो चीज़ें खरीदें। तो ये सारा काम किया जाता है ट्राइफेड बॉडी के द्वारा, ये हमें ध्यान रखना है। ट्राइबल्स के प्रोजेक्ट को क्या है काम है, उचित दाम देना ताकि उनकी सोशल इकोनॉमिक हालात को ठीक करना है, और इसमें डिफरेंट एनजीओ और जो स्वयं हेल्प ग्रुप्स है ना उनकी सहायता ली जाती है, स्वयं सहायता समूह की, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। इसके साथ ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, वो ये बनता है कि नेशनल ट्राइबल जो क्राफ्ट एक्सपो है वो भी ट्राइफेड के द्वारा ही आयोजित है वो किया जाता है। अब ये नेशनल ट्राइबल क्राफ्ट एक्सपो है, इसमें क्या होता है, इसका दूसरा नाम आदि महोत्सव भी है, और इसमें मेनली ये होता है कि ट्राइबल एरिया के जो प्रोडक्ट्स हैं ना उनको एक्चुअली प्रमोट किया जाता है, उनकी मार्केटिंग वो की जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना कि आदि महोत्सव किससे रिलेटेड है और नेशनल ट्राइबल क्राफ्ट एक्सपो क्या, दोनों एक ही चीज़ें हैं और ये ट्राइफेड के द्वारा ही आयोजित की जाती है। मेन काम क्या है ट्राइफेड का घुमा फिरा के, वो यही है कि भाई ट्राइबल एरिया में जो लोग रहते हैं उनको उनके प्रोडक्ट्स के उचित दाम में वो दिलाना, ताकि वो मार्केट में अपनी ढंग से प्रोडक्ट वगैरह को सप्लाई कर सकें। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो आया है नेशनल ट्रस्ट के बारे में, तो देख लेते हैं इस आर्टिकल में। नेशनल ट्रस्ट के बारे में आर्टिकल ये है कि अभी जो डाउन सिंड्रोम था उसके बारे में हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था कल भी, तो उसके बारे में लेके ही नेशनल ट्रस्ट के बारे में आज फिर न्यूज़ आई है। तो ये बॉडी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये एक स्टेचुरी बॉडी है, मतलब पार्लियामेंट के किसी एक्ट के तहत इसका निर्माण है वो किया गया। तो ये हमें ध्यान रखना है कि नेशनल ट्रस्ट वो एक स्टेचुरी बॉडी है, क्योंकि वो नाम से ऐसा लगता है कि ट्रस्ट वगैरह हो सकता है कोई एनजीओ वगैरह हो या फिर कुछ और हो, नहीं भाई ये एक स्टेचुरी बॉडी है। काम क्या है इसका वो भी देखते हैं, कौन से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेशनल ट्रस्ट है वो आता है डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, मतलब दिव्यांग लोगों के लिए, जो दिव्यांग या जो डिसेबल लोग हैं उनको एम्पावर करने के लिए डिपार्टमेंट बनाया गया है, उस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो ये आपको ध्यान रखना, यूपीएससी यहाँ पे आपको कंफ्यूज हो कर सकती है। अब देखते हैं आगे, इसका काम ये है कि भाई जो भी दिव्यांग लोग हैं ना, जो भी डिफरेंटली एबल लोग हैं उनको एक्चुअली अपॉर्चुनिटी है वो प्रोवाइड करना है, उनको इक्वल माहौल वो देना। क्योंकि देखो बाकी लोगों को जैसा माहौल मिलता है वैसा दिव्यांग लोगों को क्या है कि सर्विसेज वगैरह एक्सेस नहीं कर पाते हैं। तो यह जो नेशनल ट्रस्ट है जो कि स्टेचुरी बॉडी है, यह क्या करती है, दिव्यांग लोगों के अकॉर्डिंग एक माहौल तैयार करती है, उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने का काम करती है, उनको कैपेसिटी डेवलपमेंट का काम करती है, ताकि भाई वो दिव्यांग लोग हैं वो अपनी लीगल सर्विसेज हैं उनको भी सेवन कर सकें, और जो उनकी वेलफेयर सर्विसेज गवर्नमेंट चलाते हैं उन सब का भी वो फायदा वो उठा सकें। और यह मेनली दो तरीके की सर्विसेज देती है, एक तो देती है लीगल सर्विसेज और एक होती है वेलफेयर ड्यूटीज। वेलफेयर ड्यूटीज का मतलब क्या है, जैसे कि कोई भी गवर्नमेंट स्कीम वगैरह निकालती है तो वो तो होगी नेशनल ट्रस्ट के द्वारा वेलफेयर वाली चीज़, मतलब समाज कल्याण की। लीगल सर्विसेज वो कि जो कि दिव्यांग लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो कि जिले लेवल के ऊपर जो जिला अधिकारी होता है, मतलब
कलेक्टर होते हैं उनके द्वारा इन सारी चीज़ों को प्रोवाइड है वो किया जाता है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। देखो नेशनल ट्रस्ट नाम से आप काफ़ी कन्फ्यूज हो सकते हो क्योंकि नाम में कुछ ऐसा दिया हुआ नहीं है जिसके पता चले कि किससे वगैरह से रिलेटेड है। अब चलते हैं आगे, चेयरमैन की बात आती है। हाँ वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके चेयरपर्सन है या चेयरमैन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपॉइंट करती है। तो ये चीज़ भी हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है, स्टेटमेंट में यूपीएससी पूछ सकती है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो आया है TES, इसके बाद में ट्रांसटिंग एक्सप्लोरेट सर्वे सैटेलाइट, यह ध्यान रखना है। अभी रिसेंटली न्यूज़ में इसी साल इसको अप्रैल में के आसपास लॉन्च करने की बात है। अब बात ऐसी है भाई, है क्या ये, किसने तो बनाया है और क्या है? यह बनाया है नासा और एक स्पेस जो कि प्राइवेट स्पेस एजेंसी है USA की। तो ये ध्यान रखना है, नासा क्या है, नासा वहाँ की ऑफिशियल है और जो स्पेस है वो वहाँ की प्राइवेट एक स्पेस एजेंसी है जो आजकल काफ़ी न्यूज़ में है, जिसने एक अपना सेटेलाइट एक अपना वो बनाया था लॉन्चिंग व्हीकल जिसका नाम था Falcon 9 रॉकेट। तो उसको लेकर काफ़ी सुर्खियों में रही थी और बार बार इसके बारे में न्यूज़ वगैरह आती रहती है। तो ध्यान रखना है कि ज्वाइंट मिशन इनका नासा और स्पेसएक्स का जॉइंट मिशन है। काम क्या होगा इसका, काम ये है कि देखो हमारे जो अर्थ का जो आप बोल सकते हो कि सौरमंडल है या हम जो सौरमंडल में रहते हैं ना उसमें सबसे जो चमकीला तारा है ना उसकी परिक्रमा करते हैं, उसकी स्टडी वगैरह से रिलेटेड इसका काम है। तो ये कुछ बेसिक ध्यान रखना आपको कि जो टेस्ट प्रोजेक्ट है TESS ट्रांसिटिंग एक्सप्लोरेट सर्वे सेटेलाइट है वो किसके द्वारा है, कौन बना रहा है और कब यह लॉन्च किया जाए, तो ये ध्यान रख लेना। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो ये है, ज़्यादा बड़ी बड़ी न्यूज़ तो नहीं है, बस छोटी सी, आप ध्यान रखना इसको, मे बी UPSC पूछ भी लेकर इतना नहीं है। ये है कि जो सूरत है ना वो पहली ऐसा डिस्ट्रिक्ट बन गया है इंडिया में जिसने 100% सोलर पावर एनर्जी है उसको प्राइमरी लेवल के हेल्थ केयर में यूज़ किया है। मतलब प्राइमरी लेवल के जो हेल्थ केयर सर्विस हेल्थ सेंटर होते हैं ना वहाँ पे 100% सोलर एनर्जी का यूज़ है वो किया जा रहा है सूरत डिस्ट्रिक्ट में। तो ये ध्यान रखना कहाँ पे है, गुजरात में। तो ये कंटेक्स्ट बन गया, मतलब बात सीधी सीधी सी आपको समझ में आ गई होगी कि सूरत के अंदर जो भी प्राइमरी लेवल पे हेल्थ केयर हॉस्पिटल्स वगैरह है ना उन सब में एक्चुअली सोलर एनर्जी है उसका यूज़ है वो किया जा रहा है, ये ध्यान रखना है। चलते हैं आगे, अगली जो न्यूज़ है वो आई है स्मार्ट इंडिया हैकाथन 2018 के बारे में। लास्ट ईयर भी स्मार्ट इंडिया हैकाथन 2017 आयोजित किया गया था जो कि सबसे बड़ा था हैकाथन, और इस बार वाला भी उम्मीद की जा रही है कि उससे भी बड़ा होगा, बट लेट्स सी क्या होता है। तो स्मार्ट इंडिया हैकाथन में है क्या, किसने ऑर्गेनाइज किया, स्मार्ट इंडिया हैकाथन 2018 ये ऑर्गेनाइज किया गया AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। कौन सी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री है ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। तो यह ध्यान रखना है HRD मिनिस्ट्री के द्वारा इसको मतलब स्टार्टिंग वगैरह शुरुआत है की गई, ऑर्गेनाइज हो किया गया। अब होगा क्या भाई स्मार्ट इंडिया हैकाथन में, इसमें देखो ये होगा कि जो भी इसमें लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना उनको एक्चुअली प्रॉब्लम्स वगैरह बताई जाएंगी, मतलब उनको तरह तरह के प्रॉब्लम्स की, भाई ये प्रॉब्लम्स आप कैसे निपटोगे। तो फिर वो जो भी इंस्टीट्यूट है जो भी वहाँ पे बॉडी भाग ले रही है वो क्या करेगी, अपने आइडिया बताएगी, अपने इनोवेशन वगैरह का माइंड वगैरह यूज़ करते हुए बताएगी कि इस चीज़ का सोल्यूशन इस तरीके से हो सकता है। मतलब एक तरीके से नॉन स्टॉप डिजिटल प्रोडक्ट डेवलपमेंट कॉम्पिटिशन होगा इसमें, जिसमें क्या होगा कि जो टेक्नोलॉजी या टेक्निकल जो स्टूडेंट्स होते हैं ना उनके इनोवेशन को यूज़ किया जाएगा, भाई उनका इनोवेशन कहाँ कहाँ काम आ सकता है और क्या क्या उनके इनोवेशन के यूज़ है वो हो सकते हैं। तो उसके बेसिस पे होगा क्या, फिर उसके बेसिस पे मतलब होगा कि सभी सिटीजन्स हैं इंडिया के जो अपना स्किल या अपना टैलेंट है वो यहाँ पे दिखा सकते हैं और उससे पता चलेगा कभी इंडिया को कि इंडिया भाई कितना आगे जा सकता है और इंडिया इस नॉलेज या इस स्किल का इस इनोवेशन का यूज़ कहाँ कहाँ कर सकता है। तो मतलब एक तरीके से यूथ है या जो भी हमारे देश की युवा जनरेशन है उसको एक्चुअली उसका नॉलेज है और उसका जो इनोवेशन आइडियाज़ हैं उनको एक्चुअली ऊपर निकालने के लिए इस स्मार्ट इंडिया हैकाथन का आयोजन है वो किया गया है, जिसमें इनोवेटिव सॉल्यूशंस वगैरह नवाचार के जो सॉल्यूशंस हैं वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे, मतलब आकर्षक सॉल्यूशंस वगैरह वो दिए जाएंगे। ये ध्यान रखना कि ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन जो कि HRD मिनिस्ट्री के अंतर्गत है। तो ये तो थी हमारी डिस्कशन, अब चलते हैं हम आज के कुछ क्वेश्चंस की तरफ। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपको बताना है वो है टाइबर TVC के बारे में, TYPBER। तो TYPBER टाइबर TCV ये क्या है, आजकल काफ़ी न्यूज़ में, एक तरीके से आप बता दो ये वैक्सीन है, ये आपको बताता हूँ कि टाइबर TCV एक वैक्सीन है जो किससे रिलेटेड है, TB से रिलेटेड है या फिर टाइफाइड से या फिर टेक्रोम से या फिर टेफवर्म के बारे में, तो ये आपको बताना है। देखो ये लास्ट वीक ही न्यूज़ में था, उस टाइम हमने डिस्कस भी किया था, यह मेनली टाइफाइड से रिलेटेड है, टाइफाइड का वैक्सीन है जो कि भी नहीं इजाफा किया था उसको लेके न्यूज़ में आया था। अब चलते हैं हम आगे, अगला जो क्वेश्चन है वो ध्यान से सुनना, वो है H7N9 के बारे में कि H7N9 जो वायरस है ना इससे कौन सा रोग होता है, ये आपको बताना है H7N9 ध्यान से, क्योंकि ये UPSC बहुत बार पूछते हैं रिलेटेड। तो ये प्लीज़ ये जो सीरीज़ है ना H7N1 H1 वगैरह ये सब आप याद कर लेना, अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत हो रही हो तो हम एक अलग से वीडियो भी इसका बना सकते हैं। तो H7N9 जो वायरस है उसके बारे में बताना है, पहला ऑप्शन है स्वाइन फ्लू, दूसरा है आई फ्लू, तीसरा है बर्ड फ्लू और चौथा है नन ऑफ दीज। तो आई होप कि आपने आंसर सोच लिया होगा, इसका आंसर है वो है बर्ड फ्लू को ही H7N9 के नाम से जाना जाता है।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है नॉलेज नेटवर्क के बारे में, नेशनल नॉलेज नेटवर्क के बारे में आपको बताना है कि नेशनल नॉलेज नेटवर्क है वो क्या है। पहला ऑप्शन ये है कि है डिजिटल इंडिया अभियान के तहत इसकी स्टार्टिंग है वो की गई है। दूसरा ऑप्शन ये है कि इसे नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर की सहायता से डेवलप है वो किया गया है, वो इसकी नोडल एजेंसी है। और थर्ड ऑप्शन ये है कि इसमें भारत के जो भी विश्वविद्यालय जो भी यूनिवर्सिटीज हैं ना उनको एक्चुअली हाई स्पीड के इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा ताकि वो अपना नॉलेज है वो एक्सचेंज कर सकें। तीनों स्टेटमेंट्स में से आपको बताना कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। पहला स्टेटमेंट है कि इसे डिजिटल इंडिया अभियान के तहत शुरू किया गया था। दूसरा है कि इस नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर इसकी नोडल एजेंसी है। और तीसरा है वो ये है कि यह भारत के सभी विश्वविद्यालयों को उच्च गति के इंटरनेट से जोड़ने के लिए काम करता है। और ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, इसका आंसर मैं आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये हमने काफ़ी बार डिस्कस किया, काफ़ी इंपॉर्टेंट वो हो जाता है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मेक टू के बारे में। अभी गवर्नमेंट ने रिसेंटली मेक टू प्रोग्राम चलाया था, तो ये आपको बताना है कि मेक टू प्रोग्राम है वो किससे रिलेटेड था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ, पहला है भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से रिलेटेड, दूसरा है कि डिफेंस सेक्टर के खरीद से रिलेटेड, और तीसरा है भारत में जो विदेशी फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसको प्रमोट करने के लिए, और चौथा है भारत में जो नाभिकीय न्यूक्लियर रिएक्टर हैं उनको बनाने के लिए। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। प्लीज़ आप गाइस जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और बाकी लोगों के लिए भी हेल्पफुल होते हैं। इससे ये भी पता चलता है कि भाई आपकी प्रिपरेशन वो कैसी चल रही है। तो आज ये दोनों क्वेश्चंस का आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और इसके साथ जो आज का पांचवा जो क्वेश्चन आपके लिए वो है ज्ञान के बारे में, GIAN। ये भी गवर्नमेंट ने कार्यक्रम प्रोग्राम चलाया था, तो यह क्या किस रिलेटेड है, क्या कोई यह भारत में जो शहरी नियोजन है उसमें उपग्रह आधारित तक टेक्नोलॉजी का यूज़ करने से रिलेटेड है, या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि यह साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा इसकी स्टार्टिंग है वो की गई है, और तीसरा ऑप्शन है वो ये है कि इसका इसकी जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो है नीति आयोग है, नीति आयोग के सहयोग से इसको इम्प्लीमेंट है वो किया जा रहा है। तो तीनों स्टेटमेंट को अगर आप वापस वीडियो को रिवाइज करके रिवर्स करके आप सुन सकते हो और फिर उसके जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में बताना। तो ये थी आज की हमारी डिस्कशन। फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।